इस्तेमाल करने के बाद नत्र स्फुरत पारस भी मिलता है, सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ती है। तो ये नया प्रोडक्ट क्यों, सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, ये जमीन का जो आरोग्य ये सुधारने के लिए नया प्रोडक्ट क्यों? वो प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो आउटपुट है वो अलग है, और इसका कार्य काम करने का तरीका ये अलग है। इसलिए हमने सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाया, मतलब ये खास करके आपकी जो जमीन है उसका आरोग्य जो रहता है वो सुधारने का काम करेगी। मतलब जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो रहते हैं, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी पूरी अच्छी तरह से रिजुनेट हमें करनी है तो हम थोड़ा योगा करते हैं, हम थोड़ा सात्विक फूड खाते हैं, उसके बाद हमारा बॉडी इंटरनल और बाहर से भी स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा हम एक्सरसाइज करते हैं। वैसे ही आपकी जमीन का, अगर आपकी जमीन का आरोग्य अगर आपको अच्छा करना है तो ये प्रोडक्ट सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करना ही है, बराबर। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले इसमें अलग अलग बेनिफिशियरी बैक्टीरियाज है, बेनिफिशियरी बैक्टीरिया होने के कारण आपके जमीन जमीन का आरोग्य अच्छे से सुधारने का काम करता है। उसके साथ साथ कुछ हमने इसमें बायो स्टिमुलेंट्स भी ऐड किए। देखो अभी यहाँ पे बायो स्टिमुलेंट्स ये वर्ड और ये कंटेंट दो बार आ रहे हैं, मतलब स्टिमरिच में भी है और शायद ये इस प्रोडक्ट में। स्टिमरिच में जो बायो स्टिमुलेंट्स है वो पत्तों के ऊपर गिरने के बाद उनका कार्य करने का जो तरीका है वहां पे वो कार्य करते हैं, लेकिन शेत में जो बायो स्टिमुलेंट्स हमने ऐड किए हैं ये ज्यादातर जड़ों का विकास अच्छे से हो, रूट डेवलपमेंट अच्छे से हो, और रूट के आजू बाजू में जो एरिया रहता है उसको राइजोस्पियर हम बोलते हैं, मतलब जिस जहां जहां तक रूट फैले हुए हैं मिट्टी में जमीन के अंदर, उधर का जो उसका जो एटमोस्फियर है वो अच्छा रखने के लिए जो बायो स्टिमुलेंट्स रहते हैं वो बायो स्टिमुलेंट्स हमने इस क्षेत्र में ऐड किए हैं। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए और बायोफिट क्षेत्र, ये बायोफिट के हर एक प्रोडक्ट के साथ कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये बायोफिट क्षेत्र का इस्तेमाल करने के बाद हमें फायदा क्या मिलेगा, अभी सबसे पहले इसके अंदर जो अलग अलग बेनिफिशियरी बैक्टीरियाज है, तो बैक्टीरियों के कारण आपके जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ने में मदद होगी। अभी ऑर्गेनिक कार्बन लेवल क्या होता है, अभी देखो कोई भी पार्टिकल रहे इस विश्व में वो पांच अलग अलग धातु से ही बनते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि वायु है, अग्नि है, जल है, अलग अलग ये जैसे पांच तत्व है, वैसे कार्बन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। मतलब हमारी जमीन में जितना अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन लेवल उतना अच्छा ह्यूमस का परसेंटेज बढ़ता है, सेंद्रीय कर्ब का जो परसेंटेज रहता है वो बढ़ता है, और आपके जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन लेवल अच्छा है, ह्यूमस का परसेंटेज अच्छा है, सेंद्रीय कर्ब अच्छा है, तो ही आपके जमीन में मन चाहा उत्पाद ले सकते हो, जितना चाहे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। और जैसे आप शेत का इस्तेमाल करोगे उसे ही ऑर्गेनिक कार्बन लेवल ये बढ़ेगा, साथ ही साथ जमीन के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज है उनकी एक्टिविटी बढ़ाने में ये मदद करेगा। साथ ही साथ जैसे कि अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है जमीन के, भी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो जमीन का सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर है, मृदा की जो जड़न गड़न बोलते हैं बराबर, तो वो सुधारने का काम करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो रहती है, मतलब जमीन के अंदर भी छोटा सा करंट रहता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अगर अच्छे है तो ही आयंस जो रहते हैं वो आयंस इधर से उधर जा सकते हैं, हमारे जो पौधे है पौधे मूलियों के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से उसका शोषण कर सकते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी सुधारने का भी काम करेगा। साथ ही साथ जमीन का जो पीएच रहता है, बिगड़ा हुआ पीएच, तो वो कुछ हद तक सुधारने का काम ये अपना बायोफिट क्षेत्र के बैक्टीरियाज करेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब आपके अपनी जमीन के अंदर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संख्या जितनी हम बढ़ाए उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद होती है। तो बैक्टीरियल काउंट बढ़ाने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो फ्लोरा एंड फाउना बढ़ाने में ये हमें मदद करता है। जैसे ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपके जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका आरोग्य सुधारने में सहायता होगी। और यहाँ पे जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो रहे माइक्रो रहे, मतलब अलग अलग 16 न्यूट्रिएंट जो वनस्पति को लगते हैं, तो वो अवेलेबल करने का काम, वो मोबिलाइज करने का काम क्षेत्र के जो बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरियाज करते हैं। साथ ही साथ एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का काम भी क्षेत्र के जो बायो स्टिमुलेंट्स है वो बायो स्टिमुलेंट्स करते हैं। मतलब इसका डायरेक्टली बेनिफिट देखा जाए तो डायरेक्टली बेनिफिट जमीन का आरोग्य सुधारने में, साथ साथ प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, मतलब वनस्पति की वृद्धि करने में, और जमीन अच्छी है, वनस्पति की वृद्धि अच्छी से हो रही है, तो आपको यील्ड ये 101% अच्छा ही मिलेगा,
अच्छे क्वालिटी का दर्जेदार क्रॉप आपको फसल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी शेत का डोज कितना है, 1 से 2 ml/L इस मात्रा में आप शेत का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है। ये फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल कल्चर है, अलग अलग बेनिफिशियरी बैक्टीरियों का 40% का कॉम्बिनेशन इसमें है, बराबर। अभी ये आप सूरज की रोशनी में अगर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो बैक्टीरिया क्या होंगी, मर सकती है, उसका काउंट कम हो सकता है, बराबर। इसलिए शेत का इस्तेमाल आपको जमीन के अंदर ही करना है, सॉइल एप्लीकेशन के लिए करना है। अभी ड्रिप इरिगेशन, ड्रेंचिंग या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका डोज ये एनपीके जैसा ही डोज है, मतलब आप बायोफिट शेत और बायोफिट एनपीके ये एक साथ आपके फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जिस टाइम पे आप आपके ड्रिप इरिगेशन माध्यम से या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से बायोफिट एनपीके छोड़ रहे हो, उसी टाइम पे आप बायोफिट शेत भी मिक्स करके आप दे सकते हो। नेक्स्ट